What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from tradingfab.in. आज 16 दिसंबर 2019 मंडे है, सुबह के 8:17 हो रहे हैं। नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। लास्ट वीक हमने देखा, लास्ट थ्री ट्रेडिंग सेशंस यहाँ पर जबरदस्त अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है, गैप ऑफ ओपन हो रहा है और धीरे धीरे टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी क्या ये इस वीक में कंटिन्यू होगा अप ट्रेंड, या फिर जो पास्ट का ऑल टाइम हाई था यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एक हर्डल फेस कर सकता है, तो क्या आगे की इस वीक के लिए हमारी स्ट्रैटेजी होगी, कहाँ पर आज इंट्राडे के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अभी दिसंबर एंडिंग चल रहा है, क्रिसमस पीरियड है, तो दुनिया भर के लोग छुट्टियों पर जाते हैं, खास करके FII अगर देखे तो उनका जो मूवमेंट है वो काफी स्लो डाउन हो जाता है। तो एट द डिसम्बर एंडिंग के वक्त थोड़ा सा इंडियन मार्केट्स में स्लो मोमेंटम देखने को मिलता है। तो आज के लिए क्या हमारी स्ट्रेटेजी होंगी ये देखते हैं, लेकिन उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। अमेरिकी बाजार US मार्केट फ्राइडे को हरे निशान में बंद हुए थे, यूरोपियन मार्केट्स भी तेजी के साथ बंद हुए थे। आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो SGX निफ्टी निगेटिव ओपनिंग दिखा रहा है और चाइना मार्केट हांगकांग मार्केट भी यहाँ पर लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर देखें तो हल्की सी बढ़त इस समय दिखा रहा है, तो ओवरऑल अभी ग्लोबल मार्केट से फिलहाल मिले जुले संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको अभी कुछ दिनों से जो ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो हम ये अलग अलग टाइम फ्रेम को क्यों एनालिसिस करते हैं इसका आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अभी अगर वीकली चार्ट में देखें तो यहाँ पर कंटिन्यू ये अपसाइड मतलब स्ट्रांग बुली स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है, मिड टर्म ट्रेंड लाइन है और ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स अभी भी ट्रेड कर रहा है। और ये जो हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, इसका ये जो 100% का लेवल और 76.4% का लेवल है, इस लेवल इस रेंज के बीच में ही ये लास्ट 6 वीक से ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर ये सपोर्ट का लेवल बना हुआ है 11,870, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है और ऊपर में ये जो ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया था अराउंड 12,137 के पास, तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है जो कि अराउंड हमारे 100% के लेवल के पास है। तो वीकली चार्ट में स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश बना था, ये है डेली चार्ट। वीकली चार्ट में देखा था हमने स्ट्रक्चर बुलिश है, लेकिन डेली चार्ट में अगर देखे तो यहाँ पर हमें सिग्नल मिला था बुलिश टू बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिला था हमें यहाँ पर, जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न थ्रू हमें ये सिग्नल मिला था। ये था लेफ्ट शोल्डर, ये था हेड, ये था और राइट शोल्डर। तो यहाँ पर इसके नेक लाइन का भी यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिला था, ब्रेकडाउन मिला था, तो ये 20 MA के नीचे भी जा चुका था। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पर डाउन ट्रेंड हमें दिखा रहा था, तो डेली चार्ट में हमें बुलिश टू बेरिश ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिला था। और अभी कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले आर्ली चार्ट में हमें यहाँ पर बेरिश टू बुलिश ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मिला था। ये यहाँ पर इसने डबल बॉटम पैटर्न बनाया था, फिर राइजिंग बॉटम भी यहाँ पर क्रिएट हुआ था, उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेकआउट भी मिला था। तो यहाँ पर क्लियरली हमें ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट प्लस डबल बॉटम फॉर्मेशन मिला था। तो अलग अलग टाइम फ्रेम में हमें ट्रेंड रिवर्सल के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, उसी तरह हमें अपनी स्ट्रैटेजी में क्विकली चेंज करना पड़ता है। तो ये फायदा होता है अलग अलग टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना बिफोर ट्रेड। तो आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये 60 मिनट का चार्ट है, अगर ये जो डोजी जैसा ये कैंडलस्टिक बनाया है लास्ट हाफ एन आवर में, इसका जो लो है इसके नीचे ये पिवट पॉइंट का लेवल आ रहा है, तो पिवट पॉइंट का 12,069 के नीचे अगर निफ्टी इंडेक्स ब्रेक करता है और सस्टेन करता है 5 या 10 मिनट के चार्ट में, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,049। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, 12,050 कर लेते, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा।
और सेकेंड टारगेट होगा ये 12,031, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ कंटिन्यू रैली दिखाता है तो इसे फ्राइडे का हाई ब्रेक करना होगा जो कि 12,098 के पास है। अगर ये ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,115, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 12,134, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।